हेलो नमस्ते कॉम्ब के साथ में नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल नेपाली यूट्यूबर उर्मिला। तो साथीहरू मेरो जस्तो कि अहिले हेयरको भिडियो धेरै आइरहेको छ होइन, ब्लग अलिक कम आइरहेको छ, ब्लगिङ चाहिँ कम गरिरहेको छ, हेयरको भिडियो धेरै आइरहेको छ। सो एकदमै मन पराइदिनु भएको छ हजुरहरूले हेयरको भिडियो, सो थ्याङ्क यू सो मच मन पराइदिनु भएकोमा। र दोस्तो मेरे ब्लॉग में आजकल जो है बालों की मैं हेयर की वीडियो डाल रही हूँ और आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसको, मेरे हेयर की वीडियो को। सो थैंक यू सो मच इतना पसंद करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मेरे लॉन्ग हेयर को पसंद करने के लिए। सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि दीदी आपके बाल में आप कौन से शैम्पू यूज़ करते हैं और आपका बाल का ग्रो होने का राज क्या है। ये सभी सवालों का जवाब मैं दूंगी, बट इस वीडियो में थोड़ा मोड़ा देने की कोशिश करूंगी जवाब। तो सबसे पहले मैं कौन से शैम्पू यूज़ करती हूँ, मेरे वो हेयर वॉश वाली वीडियो में है, वो आप लोग देखिए। अगर नहीं भी देखें तो भी मैं बता दूंगी, मैं हमेशा हेड एंड शोल्डर यूज़ करती हूँ। आप लोग का बाल में कौन सा शैम्पू सूट करता है वही शैम्पू यूज़ कीजिए, ज़रूरी नहीं कि हेड एंड शोल्डर ही यूज़ करना है। मेरे बालों पे हेड एंड शोल्डर एकदम सूट करता है, मैं वो लगाती हूँ तो मेरे बाल झड़ते भी नहीं है और शाइन भी करते हैं और डैंड्रफ भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करती हूँ। और हेयर ग्रो होने का कारण बहुत सारा है, आपको हेल्दी फूड लेना पड़ेगा है ना, पानी भी खूब पीजिए। इतना मालूम है मैं वो बोल रही हूँ जो मैं करती हूँ। और बालों को मसाज एकदम करना ज़रूरी है, हेयर ऑयलिंग करना ज़रूरी है, कम से कम वीक में एक बार तो हेयर ऑयलिंग आप लोग कीजिए और साथ में एलोवेरा जेल लगाना ना भूले, ठीक है। तो आप जो भी तेल यूज़ करती है, नारियल का तेल हो या सरसों का तेल हो या जो भी आप हेयर ऑयल यूज़ करती है, उस हेयर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लीजिए है ना, हल्का सा गर्म करके उसको उसमें विटामिन कैप्सूल भी डालिए, ठीक है। और अगर एलोवेरा अगर आप लोग जो खरीद के पतंजलि वाला लेते हैं तो उसको भी लगाइए, ठीक है। पहले मैं कैसे करती हूँ, मैं तीनों को मिक्स नहीं करती हूँ, मैं विटामिन के कैप्सूल और तेल को एक साथ मतलब मिक्स करके वो लगाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मसाज करती हूँ और उसके बाद जो जेल है वो मैं बाद में लगाती हूँ, जो आप लोग के साथ मैं वो शेयर की हूँ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं मेरे बालों में और किसी ने मुझसे पूछा दीदी आपके हेयर के लेंथ कितनी है, पर इधर आवाज़ नहीं आ रहा, हेयर की लेंथ कितनी है बोल के भी मुझे पूछा गया है। तो मैं अभी अपने हेयर की लेंथ को मैंने नहीं नापा है, बट मैं जब नापूंगी तो आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूंगी। आज सिंपल सा वन ब्रेड कर रही हूँ। देखिए जब आपका हेयर फॉल होने लगे ना, ये जो गर्मी के सीजन बरसात के जो सीजन होते हैं ना, उसमें हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो ये आप लोग ख्याल ध्यान दीजिएगा, इसमें हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो अभी गर्मी के सीजन में और बरसात के सीजन में तो एकदम केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे भी थोड़े थोड़े हेयर फॉल हो रहे हैं। तो इसमें क्या, सबसे पहले ये जो रबड़ बैंड होता है ये प्लास्टिक वाला यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, इलास्टिक वाला, सॉरी इलास्टिक प्लास्टिक जो भी होता है, इसको कपड़े वाला, कपड़ा वाला यूज़ करना है, ठीक। और एकदम ऑयलिंग का एकदम ख्याल करना पड़ेगा और ज़्यादातर खुले बाल नहीं रखना है, एकदम ड्राई होने से बचाना है अपने बालों को, तभी हमारा हेयर फॉल होना बंद होगा।
तो यही था आज का मेरा हेयर का वीडियो। कैसा लगा आप लोग को? आप लोग से थोड़ी बातें करते हुए आज मैंने बालों को अपनी चोटी बनाई। सो कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि पसंद आया, अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत ढेर सारे आपको बालों के बारे में वीडियो देखने को मिलेगा। सो बाय बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें।